दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग एक नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर नए नए आए हैं और जो है YT स्टूडियो को चलाना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ अभी कि अगर आप इस वीडियो को जो है कम्प्लीट देख लेते हो ना, तो आपको YT स्टूडियो चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी A to Z बताने वाला हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप YT स्टूडियो चलाना नहीं जानोगे ना, तो आपका चैनल कभी ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि YT स्टूडियो से ही आप अपने चैनल को कम्प्लीटली मैनेज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अपने फ़ोन का जो है स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों साइड में देखिए, यहाँ पर हमारे फ़ोन का जो है YT स्टूडियो ओपन है। चलिए मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। सारा पेज यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मेरा ही चैनल यहाँ पर ओपन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पहले तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर लास्ट 28 दिन का जो है एनालिटिक दिखाता है। यहाँ पर जो एनालिटिक आपको दिख रहा है, ये लास्ट 28 दिन का दिखाता है, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों, जो आपका सब्सक्राइबर दिखाता है, ये लाइफ टाइम सब्सक्राइबर्स है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, व्यूज़ आया है 47,000 के लगभग व्यूज़ है मेरा, 28 दिन का एनालिटिक, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर वॉच टाइम आपका दिखाएगा लास्ट 28 दिन का, यहाँ पर 1,500 वॉच टाइम है। और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स, आपने कितना गेन किया हुआ है लास्ट 28 दिन में, वो यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर आपकी अर्निंग कितनी हुई है लास्ट 28 दिन में, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, $14। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है मेरा ही नहीं, सबका चैनल डाउन हो गया है, नहीं तो मेरे लगभग जो है $80-80 बन रहे थे महीने का, लेकिन डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा लेटेस्ट पब्लिशेड कंटेंट, यानी आपका जो है लेटेस्ट पब्लिक हुआ, यहाँ पर 3 कंटेंट दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देखिए 2-3। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कमेंट दिखाई देगा आपके वीडियो पर, गले में हिचकिच। उसके बाद आपको और भी कंटेंट देखना है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंटेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए कंटेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंटेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है सारा कंटेंट दिखाई देगा जो आप जो है पब्लिक किए होंगे। और यहाँ पर आप जो है अपना मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक सॉर्ट बाय, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोस्ट व्यूड दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियो आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 2 लाख व्यूज, 61,000 व्यूज, 36,000 व्यूज, ये मेरे मोस्ट पॉपुलर जो है वीडियो हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक विजिबिलिटी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, मेंबर्स, हैज, शेड्यूल, ड्राफ्ट, सभी वीडियो आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कि आपका कौन सा वीडियो जो है अनलिस्ट है, कौन सा पब्लिक है। जैसे कि मैं अनलिस्ट पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेरा एक वीडियो है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है अपलोड किया है, यहाँ पर अनलिस्ट है। तो चलिए यहाँ से बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड में जो है आपके वीडियो के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों एक शॉर्ट का ऑप्शन, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने चैनल पर जो है जितना शॉर्ट वीडियो डाले होंगे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक लाइव का बटन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपने जो अपने चैनल पर लाइव किया होगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए आपके जो है चैनल पर कितने प्लेलिस्ट हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम जो है फिर से यहाँ पर वीडियो पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक नोटिफिकेशन का। ओह, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर नोटिफिकेशन का, तो पहले मैं इस पर क्लिक करके बता देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि लेटेस्ट आपके जो है चैनल पर, आपके वीडियो पर कौन कौन से कमेंट आए हैं, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और आपने कितना अचीवमेंट किया है, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर लिया, 2,000 कर लिया, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोफाइल दिखाई देगा,
यहाँ पर चलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ से आप जो है अपना चैनल जो है चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, पेंसिल वाले पर क्लिक करके हैंडल चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लोगो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पेंसिल वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैनर भी लगा सकते हैं और यहाँ से आप अपना जो है हैंडल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, आपने इतना समझ लिया। और एक बात, यहाँ पर आपको जो है सेटिंग भी देखने को मिल जाएगा, सेटिंग सेंड फीडबैक, हेल्प सेंटर, यूट्यूब, तो ये सब एक सेटिंग है जो कि इसका जो है यूज़ आप लोग नहीं करोगे मैं जानता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट स्टूडियो के रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देगा एनालिटिक, जो कि मेन होता है आपके चैनल के लिए, यहाँ पर होता है एनालिटिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा आप लास्ट 28 दिन में आपने कितना कुछ अचीवमेंट किया है, यहाँ पर ओवरव्यू में, यहाँ पर आप लोग देखिए ओवरव्यू में। और यहाँ पर एक टैब जो है मिल जाएगा आपको रिसर्च का, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए एक रिसर्च का टैब है। तो फिलहाल ये जो है आपको हेल्प करता है कि आप किस टाइप की वीडियो बनाएं। तो फिलहाल इसका जो है अगर आप लोग कमेंट करोगे रिसर्च टैब पर जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत बारीकी से समझाना पड़ेगा और ये आपके चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम इसे जो है साइड में करते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए टॉप कंटेंट, यहाँ पर लास्ट 28 दिन में आपके चैनल पर कौन सा कंटेंट, कौन सा वीडियो ज़्यादा देखा गया है, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा। उसके बाद रियल टाइम व्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके चैनल पर रियल टाइम व्यूज़ कितने आ रहे हैं, और यहाँ पर रियल टाइम व्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन से जो है वीडियो पर कितना व्यूज़ आया हुआ है रियल टाइम, यानी कि 48 घंटे में। और यहाँ पर आप रियल टाइम व्यूज़ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर 60 मिनट पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपके जो है चैनल पर 60 मिनट में कितने व्यूज़ आए हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम जो है बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक कॉन्टेंट का ऑप्शन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों न्यू व्यूअर्स, यानी कि आपके चैनल पर जो नए व्यूअर्स हैं, जिनको आपके चैनल के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन वो नए व्यूवर्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए वीडियो के थ्रू आए हैं 30,000 जो है 28 दिन में 30,000 जो है नए व्यूवर आए हैं हमारे चैनल पर। यहाँ पर शॉर्ट के थ्रू 279, लाइव स्ट्रीम के थ्रू 72। उसके बाद यहाँ पर व्यूज़ आप लोग देखिए, यहाँ पर लास्ट 28 दिन का व्यूज़ पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर पब्लिशड कॉन्टेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, व्यूअर्स अकोर्स फार्मेट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टाइपिकल व्यूज़ है, और यहाँ पर हाउ व्यूअर्स फाइंड यू, यानी कि आपको जो है आपके व्यूअर्स कैसे फाइंड किए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो है आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो आपके चैनल पर जो है 28 दिन में कहाँ से व्यूअर्स आए हैं। तो यहाँ पर ब्राउज फीचर्स यहाँ पर 56% आए हैं, और यहाँ पर यूट्यूब सर्च से आए हैं, सजेशन से आए हैं, चैनल पेज पर आए हैं, इतना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑडियंस का है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, और यहाँ पर जो हमारे फेस का जो है ब्राइटनेस डाउन हो रहा है क्योंकि बदरी का माहौल है, और तो जैसे ही आप ऑडियंस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देखिए रिटर्निंग व्यूअर्स यानी 2.8K यानी लगभग 3,000। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब है आपके चैनल पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपके वीडियो को देखा और दोबारा आप फिर से कोई वीडियो अपलोड करो तो मैं वापस आपके चैनल पर आपके वीडियो को देखूँ, तो वही होता है रिटर्निंग व्यूअर्स। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि कब आपके व्यूअर्स जो है यूट्यूब पर होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए संडे मंडे ट्यूसडे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो डार्क लाइन है ना, तब आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पर ये टाइम है और यहाँ पर ये डार्क लाइन है, यानी कि जब आपके चैनल, ये हर एक चैनल का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप खुद पता करिएगा। और मैं इतना बता दे रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा डार्क होता है ना तभी आपके जो है ऑडियंस यूट्यूब पर जो है एक्टिव रहते हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है चैनल पर कितने एज वाले हैं, यानी कि आपके जो है सब्सक्राइबर्स आपके जो वीडियो देखते हैं वो कितने एज वाले देखते हैं, कितने उम्र वाले देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला तो है यहाँ पर जो है केवल 10% हैं, कितने 13 से 17 साल वाले, और यहाँ पर 48% हैं 18 से 24 साल वाले, क्योंकि मेरी कैटेगरी ही ऐसी है जहाँ से 18 से 24 साल के लड़के ही देखते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना होता है तभी वो लोग जो है देखते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25 से जो है 30 साल के जो हैं 31% हैं, और 35 से 44 साल के 9% हैं, 45 से 54 साल के यहाँ पर 1 से 2% हैं, 55 से 64 साल के जो है वो यहाँ पर 0% हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं। और आज की जो रियलिटी है ना, आज की रियलिटी है 55 से 60 साल कोई जीता ही नहीं है, जिसका किस्मत अच्छा होता वही जीता है फिलहाल, ये तो भगवान सबको लंबी उम्र दे। उसके बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप जो है जेंडर जो है पता कर सकते हो कि आपके वीडियो को कौन ज़्यादा देखता है। तो फिलहाल हमारे जो है चैनल पर मेल ज़्यादा हैं पुरुष, और फीमेल जो हैं 11% हैं, और महिला 88%। उसके बाद यहाँ पर आपको जियोग्राफी पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आपके जो है ऑडियंस हैं। पहला तो इंडिया से 85%, पाकिस्तान से यानी कि 4.5%, तो धन्यवाद आपका जो पाकिस्तान से हैं, और यहाँ पर नेपाल से लगभग 2%, तो उनका भी धन्यवाद जो हमारे वीडियो को अदर कंट्री से देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टॉप सब टाइटल्स CC लैंग्वेज, तो यहाँ पर एक हिंदी है और नो सब टाइटल्स। और यहाँ पर आप लोग देखिए, एक यहाँ पर ज़रूरी है वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर नॉट सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर सब्सक्राइब्ड, यानी कि हमारा जो है वॉच टाइम ज़्यादा जहाँ से आ रहा है ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक नहीं किए हो तो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर व्हाट योर ऑडियंस वॉच, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि जो है आपकी ऑडियंस किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करती है यार। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देखिए 7 दिन का है। यहाँ पर देखिए मेरी ऑडियंस जो है इस टाइप की वीडियो देखती है। अब भाई अभी तो मैंने ये देखा, अब इनके जैसे मैं भी वीडियो बनाऊँगा। अब यहाँ से बैक आते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर आप लोग देखिए चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉच, यानी कि हमारी ऑडियंस और कौन से चैनल को देखती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मनोज दे टेक चैंपियन सपोर्ट, टेक्निकल योगी, एक्टिव राहुल, अरविंद जॉन, टेक्निकल इसरार, क्रिएटर गाइड, नित्या की सपोर्ट, क्रिएटर सर्च 2.0, तो ये लोग जो हैं हमारे जो है ऑडियंस हैं इनके चैनल को देखती हैं। अब भाई इनके जैसे हमें वीडियो बनाना है तभी मेरा चैनल और आगे बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आते हैं, फिलहाल यहाँ पर फॉर्मेट दैट योर व्यूअर्स वॉच ऑन यूट्यूब्स, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है रेवेन्यू का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देखिए रेवेन्यू पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है रेवेन्यू दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हो एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यहाँ पर वॉच पेज एड्स, शॉर्ट फीड एड्स, तो जैसे कि मैं वॉच पेज एड्स पर यहाँ पर $1,461 यहाँ पर मैंने अर्न किया है। शॉर्ट फीड एड्स पर यहाँ पर आप लोग देखिए $0.02, क्योंकि शॉर्ट में अर्निंग जानते हो कुछ नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर आल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए नवंबर में आपकी कितनी अर्निंग हुई है, अक्टूबर में कितनी अर्निंग हुई है, सितंबर में कितनी, अगस्त में कितनी, यानी कि आपकी किस महीने कितनी अर्निंग हुई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए मेरा उतना चैनल अभी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको सब लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अर्निंग भी लाइव दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ब्लर करके रखा हूँ। ये तो इसका हमें डर नहीं है अभी कि हमारे जो है घर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ठीक है, अभी अर्निंग भी उतनी कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए आपके चैनल पर 1000 व्यूज़ पर कितना पैसा मिल रहा है, और रेवेन्यू वाला ऑप्शन तभी आपके में आएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे भाई रेवेन्यू वाला बटन ही हमारे में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए है जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, ये उनके में आएगा, अदरवाइज आप लोगों के में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग हाँ जान लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि रेवेन्यू का ऑप्शन क्या है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए टॉप अर्निंग कंटेंट, यानी कि आपके किस वीडियो से ज़्यादा अर्निंग हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिलहाल इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा नीचे कमेंट का, तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे कमेंट पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपके चैनल पर जो है कितने कमेंट आए होंगे यहाँ से आप जो है देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा आई हैव नॉट रिस्पॉन्स्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे कंटेंट कमेंट आ जाएंगे जिसको आप जो है रिस्पॉन्स कर दिए हो, रिप्लाई कर दिए हो। अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आई हैव नॉट रिस्पॉन्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही कमेंट आएंगे जिन पर आपने जो है कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ऑलरेडी से ये रहता है, अच्छी बात है ये रहता है। तो यहाँ पर बस इतना ही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक अर्न का बटन आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे आप अर्न वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग देखिए यहाँ पर $101 मेरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर इतना आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज है कुछ इस तरीके से इसलिए आ रहा है। चलिए मैं एक जो है
दूसरा चैनल सिलेक्ट करता हूँ जिस पर कोई वीडियो नहीं है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है अर्न वाले बटन पर वहाँ पर क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा चैनल सिलेक्ट कर लिया है जहाँ पर ना तो कोई सब्सक्राइबर है ना तो कोई वीडियो, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितना जो है कैसा कैसा जो है क्राइटेरिया आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे बिकम ए पार्टनर यूट्यूब पार्टनर, अभी यहाँ पर हुए नहीं हैं, होने वाले हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है बस। बट यहाँ पर नीचे आते हैं, इजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है मोनेटाइजेशन का, इजिबिलिटी यहाँ पर आप लोग देखिए 500 सब्सक्राइबर्स, ये है शॉर्ट मोनेटाइजेशन, छोटा मोनेटाइजेशन, जैसा कि अभी अपडेट आया है 500 सब्सक्राइबर्स वाला, उसका मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर 90 दिन में जो है 3 वीडियो अपलोड होनी चाहिए, यहाँ पर आप लोग देखिए 90 दिन में 3 वीडियो जो है पब्लिक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वॉच टाइम क्या होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो 3000 वॉच टाइम होना चाहिए 365 दिन में, 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए 365 दिन में, या फिर 30 लाख जो है व्यूज़ होना चाहिए शॉर्ट पर 90 दिन में, 3 महीने में। और उसके बाद फुल मोनेटाइजेशन के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए फुल मोनेटाइजेशन, शॉर्ट फीड एड और जो है वॉच पेज एड्स। तो फुल मोनेटाइजेशन के लिए पुराना ही क्राइटेरिया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0 सब्सक्राइबर्स है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 365 दिन में, और यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है होना चाहिए, या फिर आपका 10 मिलियन यानी कि 100 लाख यहाँ पर शॉर्ट पर जो है व्यूज़ होने चाहिए, शॉर्ट वीडियो पर व्यूज़ होने चाहिए, वो भी 90 दिन में। अगर आप 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करते हो तो जो है 1 साल में, और यदि आप जो है 90 दिन में या फिर आप 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लीजिए शॉर्ट वीडियो पर। यहाँ पर ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा होगा तो आप उसे जो है इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर इतना जो है आता है आपके चैनल पे आएगा, क्योंकि अभी आपका मोनेटाइज नहीं है, यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने उस चैनल को सिलेक्ट किया है जिस पर ना तो लोगो लगा है ना कोई सब्सक्राइबर्स है, फिलहाल मैंने अर्न वाले बटन पर केवल आपको दिखाने के लिए किया था। और शॉर्ट मोनेटाइजेशन में मेंबरशिप सुपर से शॉपिंग मिलता है, यानी कि ना के बराबर है। इसमें आप महीने 10 महीने में आप जो है 100-200 रुपये ना कम्प्लीट कर पोबो, जब तक आप पूरा जो है मोनेटाइजेशन ना कर पो। चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया है YT स्टूडियो के बारे में कि YT स्टूडियो में ए टू जेड जानकारी मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से जो है आपको YT स्टूडियो चलाना है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है YT स्टूडियो चलाना सीख गए हैं। फिलहाल कोई समस्या तो नहीं हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।